आज हम डिस्कस करने वाले हैं फुल स्टैक जावा डेवलपर। इसके अंदर थ्री पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स। फ्रंट एंड के लिए तुम सबसे पहले बेसिक वेब टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। इसके अंदर आते हैं HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, TypeScript। देन बिल्डिंग टूल्स के लिए NPM और YAML चूज कर सकते हो। आफ्टर दैट एक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, इसके अंदर तुम चूज कर सकते हो React JS, Angular, Vue JS। अगर तुमने चूज किया React JS, इसके लिए अप टू JavaScript काफी है। अगर तुमने Angular को चूज किया, एडिशनली तुमको TypeScript को सीखना पड़ेगा। देन IDEs के अंदर तुम कई एक IDE चूज कर सकते हो, Visual Studio Code, WebStorm, Sublime, Text3। पर्सनली मैं Visual Studio यूज करता हूँ। देन आगे बढ़ते हैं बैकएंड की तरफ। बैकएंड में फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। इसके अंदर तुम बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट को कवर करना पड़ेगा। देन बारी आती है डेटाबेस में। डेटाबेस में तुम कई एक डेटाबेस चूज कर सकते हो, इधर फ्रॉम RDBMS और NoSQL। RDBMS के अंदर आते हैं MySQL, PostgreSQL, Oracle एंड NoSQL के अंदर आते हैं MongoDB, Cassandra। आफ्टर दैट एक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है ना बैकएंड में भी, इसके अंदर तुम सीख सकते हो स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा जेपीएस, स्प्रिंग रेस्ट एपीआई, स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग सिक्योरिटी। देन बिल्डिंग टूल्स में Maven और Gradle। आफ्टर दैट यूनिट टेस्टिंग के लिए JUnit, Marketo। IDEs की बारी आती है, इसके अंदर तुम चूज कर सकते हो इधर Eclipse और IntelliJ और STS। अलॉन्ग विथ यू नीड टू लर्न गिट एंड गिटहब, पोस्टमैन। एज अ फ्रेशर डेवऑप्स को जरूरत नहीं है। आफ्टर गेटिंग 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस तुम डेवऑप्स सीख सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।